मशहूर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का लोकप्रिय किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक का निधन हो गया है। वो 67 साल के थे। नट्टू काका काफी दिनों से गले के कैंसर से पीड़ित थे। पिछले साल उनका इसी सिलसिले में ऑपरेशन भी हुआ था, मगर वो कैंसर से उबर नहीं पाए और रविवार को मुंबई के मालाड इलाके में सूचक अस्पताल में शाम 5:30 बजे उनका निधन हो गया। नट्टू काका मुंबई के मालाड इलाके में रहते थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में उनका किरदार काफी लोकप्रिय था। तारक मेहता में आप नट्टू काका और बाघा की जोड़ी को देख सकते हैं, जिसे दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता असित मोदी ने घनश्याम नायक की मौत की पुष्टि की। घनश्याम नायक यानी नट्टू काका ने एक इंटरव्यू में अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हुए कहा था कि यदि मेरा निधन होता है तो मैं अपने मेकअप में ही मरना चाहता हूँ। गौरतलब है पिछले साल उनके गले का ऑपरेशन हुआ था। घनश्याम नायक टीवी इंडस्ट्री के साथ फिल्मों में भी काम कर चुके थे। उन्होंने बेटा, तिरंगा, आंखें, लाडला, क्रांति वीर आंदोलन, बरसात, माफिया, चाहत इश्क, चाइना गेट, तेरे नाम जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। हमारी चैनल की ओर से नट्टू काका उर्फ घनश्याम नायक को अलविदा।